सूजी का हलवा हर किसी को पसंद है, तो आज मैं आप सबके साथ बहुत ही टेस्टी, बहुत ही सिंपल तरीके से बना हुआ सूजी का हलवा रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो दोस्तों, मैं हूँ लिपि, कुक विद लिपि में आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो इसके लिए सबसे पहले हम बनाएंगे चाशनी। चाशनी तो नहीं, बस चीनी को सिर्फ मेल्ट करना है, उतना ही। तो इसके लिए मैं ले रही हूँ 3/4 कप चीनी, साथ ही ऐड करना है 1/2 कप पानी। आप डायरेक्ट भी चीनी ऐड कर सकते हो, पर इस तरीके से मेल्ट करके डालने से हलवा का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब ये अच्छे से मेल्ट हो गई है, इसे साइड करते हैं, फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। अब कुछ ड्राई फ्रूट्स लेंगे, जैसे कि काजू, किशमिश, आलमंड, जिसे डालने से हलवा का टेस्ट और भी ज्यादा अच्छा लगता है। अब 1 टीस्पून घी डाल के सारे ड्राई फ्रूट्स को हल्का सा फ्राई कर लेंगे। आप चाहो तो ऑयल भी ऐड कर सकते हो, पर ये जो हलवा का पूरा प्रोसेस है ना, अगर आप इसमें ज्यादा क्वांटिटी में घी ऐड करोगे तो यकीन मानिए दोस्तों, आपकी हलवा सबसे स्वादिष्ट बनेगी। अब ड्राई फ्रूट्स फ्राई करने के बाद लेना है पैन में 2 टीस्पून घी, आप चाहो तो ज्यादा भी ले सकते हो। फिर ऐड करेंगे 1 कप सूजी और इसे अच्छे से भून लेंगे, और इसे तब तक भूनेंगे जब तक इसका कलर गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। लगभग 7 से 8 मिनट लग ही जाएगी। उसके बाद ऐड करेंगे चाशनी जो हम बना के रखे थे, फिर ऐड करेंगे 2 कप दूध। तो यहाँ पर मैंने टोटल 1 कप सूजी, 1 कप चाशनी, 2 कप दूध लिया है, यानी 1 कप सूजी के लिए 3 कप पानी चाहिए, जैसे कि मैंने लिया है 1 कप चाशनी, 2 कप दूध। आप घर की कोई भी कप या कटोरी सेट कर लीजिए और उसी हिसाब से सारी चीजें मेजर कर लीजिए। अगर आप सारी चीजें मेजर करके डालोगे तो आपकी हलवा एकदम परफेक्ट बनेगी। फिर ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद 2 छोटी इलायची को इस तरह से कूट के डाल देंगे। अब बहुत ही टेस्टी सूजी की हलवा बनके तैयार है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।